हम कंपेयर करने वाले स्ट्रीट फूड वर्सेस मैकडॉनल्ड का फूड। मेरे पास है 1000 रुपए और इससे मैं खरीदूंगा मैकडॉनल्ड का बहुत सारा खाना। और मेरे पास है 1000 रुपए और इससे मैं खरीदूंगा सारा का सारा स्ट्रीट फूड। हमारे पास है सिर्फ आधे घंटे में हमें जल्दी से जाके फूड लाना है। मुझे तो एक जगह ही जाना है, मैकडॉनल्ड ड्राइव थ्रू में घूम जाऊंगा गाड़ी लेके और जल्दी से ले लूंगा। मेरे को चाहिए स्ट्रीट फूड और मुझे जगह जगह जाना है, लेकिन मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है भाई। ले जा यार। ओ भाई मैं नहीं, उतर चल पैदल जा। कोई नहीं, गाड़ी में तो टाइम नहीं है, जल्दी निकल। साथ ले जाना, साथ बात नहीं, निकल सर, चल भाग इधर से। यार इसने बाहर निकाल दिया, अब मेरे को जल्दी से जाना होगा, स्ट्रीट फूड ढूंढना होगा। तो यार सिर्फ 1000 रुपए हैं और सबसे पहले अंडे वाला बर्गर ले लेता हूँ भाई। एक ये 100 वाला अंडे वाला वो दे दे बर्गर। बर्गर ले लिया हमने, बचे हमारे पास 900 रुपए। अब जल्दी से और भी सामान पकड़ते हैं। हाँ भाई ये फ्राइज कितने के? 40-50-100। यार एक काम करता हूँ, 50 वाले ले लेता हूँ, 50 वाले दे दो एक। हाँ यार 50 के फ्राइज भी ले लिए, अब सिर्फ 850 रुपए बचे हैं। यार 850 रुपए बचे हैं। एक काम करता हूँ, कबाब और चपाती ले लेता हूँ। एक कबाब है और 2 चपाती दे दो। 90 रुपए हो गए भाई, लेकिन मेरे को तो टेंशन ही नहीं है यार। 90 रुपए कबाब चपाती में भी ठुक गए, लेकिन फिर भी मेरे आइटम तो सस्ते हैं। वो मैकडॉनल्ड वाले का क्या हो रहा होगा? तो भाई अब मुझे जाना है, टाइम कम है, टाइम हो गया निश्चित, लेकिन मुझे एक ही जगह जाना है। मेरे को वैसे ऑफर तो फिलहाल कोई नहीं, नॉर्मल मील होती है। ऑफर डील फॉर टू देखे मेन्यू पे आ जाएगी, 2 बर्गर से 2 ड्रिंक सर 650 में। एक ये डील कर दे। अच्छा और एक ये डील हो गया। और लार्ज प्राइस कितने के? लार्ज प्राइस 450। एक वो कर दें भाई, एक ये डील कर ली हमने 650 की और लार्ज प्राइस कर ली है वो है 450 के। 1100 रुपीज हो गए यार, ऊपर की कहानी चलेगी। अब वो पता नहीं क्या बोलेगा, 1500 रुपए दिए और कुछ 400 रुपए बचे, 1100 रुपए ठुक गए भाई। अब वो बोलेगा यार 1000 में। अब देखते हैं कितनी सारी, मेरे को लग रहा है ज्यादा चीजें होंगी, डील वील में भी कुछ अच्छा ही मिलेगा यार। 1100 रुपए लगा दिए मैंने, 760 रुपए बचे और मेरा मन कर रहा है ये 2 पेस्ट्री उठा लूं। यार 100 रुपए की ले लिए पेस्ट्री और अभी भी आधे से ज्यादा बजट मेरा सेव ही सेव है। यार पेस्ट्री तो मैंने ले लिया, मीठे का हो गया, आपको स्पाइसी पकड़ लेता हूँ। कबाब रोल लेने वाला हूं। यार कबाब रोल भी ले लिए, 190 रुपीज चले गए हमारे, 470 बचे हैं। आज से ज्यादा बजट तो खत्म ही हो गया, लेकिन चीजें भी तो बहुत सारी आ गई हैं। तो यार गोलगप्पे भी ले लेते हैं, सामने दुकान दिख गई, ले लेते हैं। यार रोल खरीदने के बाद मेरे पास 470 बचे थे, ऊपर से मैंने गोलगप्पे ले लिए, मेन्यू कार्ड भी नहीं देखा, 180 के ये पड़ गए। बहुत ही कम पैसे रह गए और टाइम भी कम है, अब सारा सामान जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा। यार खाने का सामान तो बहुत सारा ले लिया, कुछ पीने के लिए भी ले लेते हैं। एक वो करते हैं आइसक्रीम सोडा करते हैं। ये बन रहा है हमारा सोडा, सोडा आ गया है। आखिरी के 280 रुपए बचे हैं, बल्कि 80 रुपए तो यहाँ पे भी चले जाएंगे। आखिरी के 200 रुपए बचे हैं और सिर्फ 5 मिनट है, 80 रुपए में दे रहा हूँ इनको। आखिरी के 200 रुपए बचे हैं, 5 मिनट है और मेरे को लेना है शोरमा। तो आखिरी के 200 रुपए, 200 रुपए का ये शोरमा पड़ा है। अगर मेरे पास कसम से टाइम की नहीं होती ना लिमिट, मैंने कच्ची आबादी में जाना था और पूरा 70 रुपए का लेके आना था, लेकिन खैर 1000 रुपए मेरे हो गए हैं खर्च। अब घर जाकर देखना है वो मैकडॉनल्ड वाले ने क्या क्या लिया होगा। अबे 2-3 सामान लिए होंगे, कंपेयर करते हैं चल के। सामान मुझे लग रहा है वो ज्यादा निकाल ले, मेरे को नजर आ रहा है वो। ये पकड़ लिया भाई, बोरा भर के दिया है, तो चलो इस बोरी में मेरे ख्याल क्या। अरे कुछ चीजें रह गई, ये बोरे के साथ और भी चीजें, ये ड्रिंक्स भी दी है। बोरे में देखना पड़ेगा, बोरे की अनबॉक्सिंग होगी अभी, क्या दिया। चलो भाई घर पहुंच चुके हैं, सामान वामान पकड़ लिया, बोरी है बिस्तर। इसकी अनबॉक्सिंग मैं घर पे जाके करूंगा, उसके सामने हैरान हो जाएगा, इतनी सारी चीजें निकलेंगी 1000 रुपए में। उसने तो इतनी सी चीजें ली होंगी, मेरे पास इतनी सारी। चलो यार फाइनली घर पहुंच चुके हैं। अबे तू पहले से इधर बैठा हुआ है, बहुत देर लगा दी। ये देख मैं कितनी सारी चीजें लेके आया हूँ। अबे ये तो कम है और क्या, ये देख मैं बोरा भर के लाया हूँ पूरा, कोल्ड ड्रिंक अलग से। अबे छोटा सा बोरा है, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। अबे इतना भारी है ये, मैं उतनी मुश्किल से लेके आया हूँ, अभी देखते हैं ना इसमें क्या क्या निकलता है। चल कंपेयर करते हैं। देख भाई सबसे पहले तो मैं लाया हूँ यमी यमी गोलगप्पे। गोलगप्पे और पीछे, उसके बाद मैं लाया हूँ ये कटलीज। और देख अगर मेरे को प्यास लगेगी मेरे पास ये है, अगर मेरे को कुछ मीठा खाना होगा मेरे पास ये है, अगर थोड़ा लाइट खाना होगा फ्राइज है, और अगर थोड़ा ज्यादा ही खाना होगा तो बर्गर रोल शोरमा की तो भरमार ले आया मैं। तो मैं कौन सी कम लाया हूँ, पूरा बोरा भर के लाया हूँ ये। चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, 1000 रुपए में इतना भारी बोरा मिल गया। चल देखते हैं तेरे बोरे में से क्या निकलता है। अभी देखते हैं ना, सोना वोना सब निकलेगा। ये देख सबसे पहले तो फ्राइज इतने कम क्यों है यार,
है। उससे ज्यादा तो मेरे हैं, वो देख बर्गर के साथ भी है, वहाँ पे भी अलग है। ये कितने के लाया तू? अबे 50 रुपए के। ये कितने के लाया तू? ये ज्यादा महंगे नहीं है, सिर्फ 450 के। 450? अबे 50 वाले ज्यादा लग रहे हैं इससे। अबे भाई क्वालिटी में भी फर्क होता है, अभी खा के देखेंगे फिर बात करते हैं। हमारे पास है बर्गर, स्पाइसी चिकन चीज बर्गर। भाई ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बर्गर नहीं है? हाँ बड़ा है, बहुत बड़ा बर्गर है, दुनिया का नंबर वन सबसे बड़ा बर्गर है। ये कितने का है? रुक जा अभी बताता हूँ। एक ये मिला साथ, ये एक और बर्गर। भाई ये देख रहा है बर्गर ही बर्गर निकलने। अरे अभी और भी है यार। और क्या, और तो कुछ है ही नहीं। ये मैकडोनल्ड के टिश्यू पेपर मिले साथ, ये भी होंगे तकरीबन 100-200 के तो होंगे ये भी। अबे नहीं भाई ये खाने की चीज नहीं है, ये मैं नहीं मानी जाएगी। केचप मिले, ये भी 50-50 के तो होंगे। ये तो ऑलरेडी मेरे साथ के साथ फ्री है, ये भी नहीं मानी जाएगी। और भी है चीजें लेकिन अभी हम रिवील नहीं कर रहे। अबे छोड़ दे यार, अबे नहीं कर। क्या ये कुछ भी नहीं है? बे यार लेकिन क्वालिटी देखो तुम भाई, ये बर्गर है 600 रुपए की डील में मिला ही है। अबे वो छोटा सा बर्गर ये देख भाई, ये पता कितने का मिला मेरे को? 100 रुपए का। क्वालिटी में फर्क है ना, ये अंडे वाला बर्गर है, ये है बर्गर, ये बर्गर है, ये बर्गर है। 650 की ये चीज हो गई, दो कोल्ड ड्रिंक दो बर्गर, और 450 का ये हो गया। 450 650 1100। अबे वो थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च। अबे भाई ये गलत है, चला हार गया तू। अबे नहीं नहीं लेगा, ऊपर से सामान तू क्या लेके आया? फ्राइज, दो बर्गर, दो कोल्ड ड्रिंक। अबे तो भाई केचप, केचप और टिश्यू पेपर निकाल दो, 100 रुपए के वो होगा। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले हम कंपेयर करने वाले हैं भाई 50 रुपए वाले फ्राइज स्ट्रीट के वर्सेस मैकडोनल्ड के 450 वाले फ्राइज। जो भी ओपिनियन होगा हम सच्चा देंगे। चलो मैं इसके उठा लेता हूँ, ये मेरे उठाएगा फ्राइज। सही है लेकिन मैकडोनल्ड वाले भी टेस्ट करते हैं। मैकडोनल्ड वाले नमकीन है, मैकडोनल्ड वाले सही है लेकिन नमकीन ज्यादा है, ये ज्यादा अच्छे मेरे को लग रहे हैं। अच्छे हैं मैकडोनल्ड वाले इसके मुकाबले, अभी क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडे हो गए हैं, लेके पता नहीं किस में पैदल घूम रहा। मैकडोनल्ड के अच्छे उस हिसाब से खाने के टेस्ट में, लेकिन अगर ये गर्म होते ना 50 रुपए के, ये ज्यादा अच्छे होते। और प्राइस के हिसाब से तो भाई मैं इसी के ऊपर जाऊंगा। 50 रुपए वाले में आप पेट भर सकते हो, ये भी प्राइस है वो भी प्राइस है। जीता कौन? ये वो अपना 450 वाले का, मैं वही खा रहा हूँ लेकिन दूसरा वो है। अब ड्रिंक्स के टेस्ट करने लगे, तुम कितने के लाए हो? भाई मेरी आई है 80 रुपए में। 80 रुपए की? हाँ। मेरे को इतना सा गिलास दिया और ये तकरीबन होगी यार 100 रुपए की तो होनी चाहिए, 120 की होगी मेरे ख्याल। ये मेरे को ऐसा लग रहा है पेप्सी में पानी मिलाया हुआ है शुरू से। मुझे इन लोग की कोल्ड ड्रिंक में यही लोचा लगता है। मैं तो बोल भी नहीं सकता पानी मिलाया क्योंकि होते ही पानी अच्छी है यार, लेकिन अच्छी है। और बहुत खतरनाक सीन होने वाला है भाई, अंडे वाला बर्गर वर्सेस मैकडोनल्ड का चिकन बर्गर। ये पिद्दू सा लड़ेगा इससे, ये पहले ही देख लो, पहले ही जला हुआ है नीचे से, इसके अंदर ही देखो किस तरह जला हुआ। नहीं है भाई इसका वो टेस्ट है, लेवल है इसका। ये देखो क्वालिटी में फर्क होता है फिर भाई। चलो टेस्ट के हिसाब से देखते हैं। मैं कहता तो जीत गए, अबे जीत गया ये, मैं जीत गया। अबे भाई तो किसी भी रोड पे चलते हुए इंसान से पूछ ले, बोलेगा अंडे वाला बर्गर बेस्ट है। यार मैकडोनल्ड ने वैसे बहुत महंगा किया हुआ है। जब प्राइस की बात आती है ना मैं पीछे हट जाता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं यार। वैसे है कितने का? 250 रुपए का। अबे मेरे 2 से ज्यादा आ जाए, 100 रुपए का ये। यार प्राइस की बात में ना लेकिन सही है, अच्छा है यार 250 रुपए का, मतलब समझ लो घुसेड़ के भी ना थोड़ा वर्थ इट, सही है, मतलब ठीक है यार। प्राइस के मामले में लेकिन ये अलग बात है, शुरू होता ही खत्म हो जाता है, पेट नहीं भरता बंदे का इससे। 250 रुपए में पेट नहीं भरता, अगर वो पेट भरना है ना तो ये पकड़ लो दो, ऐसा पेट भरेगा ना। 50 रुपए बच रहे हैं, 50 रुपए फिर भी बच रहे हैं भाई। तो जीता कौन? अंडे वाला बर्गर, क्योंकि प्राइस के हिसाब से। लेकिन क्वालिटी अगर तुम लोग देखोगे ना ये बेस्ट है, इसका बन अलग यूज करते हैं ये लोग, बन अलग है, टेस्ट अलग है, इनकी चिकन अलग है, सब चीजें में ना क्वालिटी वाइज भी फर्क होता है। चलो भाई अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ। चलो यार मेरा नेक्स्ट आइटम सोचूं क्या यार, मैं सोच रहा हूँ एक कटलिस ले आता हूँ, ये बेस्ट रहेगा। हाँ भाई तुम्हारा क्या है नेक्स्ट आइटम? यार मैं तो अपना कटलिस ला रहा हूँ। हाँ भाई तुम बताओ क्या लेके आ रहे हो मैदान में? खत्म हो गया यार मेरा। क्या मतलब 1000 रुपए लग गए तुम्हारे? हाँ ना बस यही था, मेरा बर्गर था, कोल्ड ड्रिंक थी, फ्राइज थे बस। अबे ये सिर्फ 2-3 चीजों में तुम्हारा 1000 रुपए लग गए? अबे मेरे पास तो लड़ने के लिए इतने सारे सिपाही है ना, ये देखो ये कटलेट, गोलगप्पे, मीठे में, मेरी मेन पोस्ट तो अभी रहती थी। स्ट्रीट फूड भाई किंग होता है, आ जाता है बहुत ज्यादा आ जाता है, पेट भर के बंदा खा सकता। स्ट्रीट फूड तो अपना भी लव है यार, लेकिन अभी ये क्या करें, बर्गर चूरन खाना पड़ता है। अबे काम करो तुम, देखो मैं खाऊंगा। अबे मुझे भी खिला यार। नहीं नहीं तुम अपना सिर्फ खाओ। अबे खत्म हो गया, 100 रुपए ज्यादा इस्तेमाल किए, खाओ ये। अबे यार चलो अब रोल खाता हूँ, उस बेचारे का तो खत्म हो गया बैठा हुआ वहाँ पर। खिला दे कुछ, खिला अबे तो चुप करके बैठा हुआ, कुछ नहीं मिला, शुरू होते ही खत्म हो गई मेरी चीजें तो। यहाँ देखो इतना सारा खाना है, मेरे को तो लग रहा है मेरे से खाया नहीं जाएगा। खिला दे फिर मुझे, खिला दे। चल आज मेरी नजर है वो, खिला दे। कितने का लिया है शोरमा? यार मैं महंगे लाके बैठा, लेकिन 200 रुपए का सिर्फ ये। मैकडोनल्ड पे यही 600 रुपए का मिल रहा था। ये ले ले शोरमा रंगरेसा।
रंगरेसा ये भुख भी कैसी चीज रब्बा बंदे नू पढ़ने पा देंदी। यार ये भिखारी को देने के बाद भी मेरे पास इतना सारा खाना पड़ा हुआ है, इसमें तो मैं आराम से दो तीन दिन और चला सकता हूँ। आज जो हमारा चैलेंज था ना भाई, स्ट्रीट फूड वर्सेस मैकडोनल्ड फूड, एक्सपेंसिव फूड जो था वो मैकडोनल्ड का था, वो एक बंदे को भी पूरा पेट में नहीं आया, वो भी बस पता नहीं खाया और इधर उधर चला गया, शुरू होता ही खत्म हो गया मतलब। और ये जो स्ट्रीट फूड था ना भाई, ये तो भाई सब कुछ मिल जाएगा आपको, एक से एक चीज मिलेगी कराची में स्पेशली। अभी दो बंदे खाते बैठे हैं और वो जब भी खत्म नहीं हो रहा। आज की वीडियो का विनर फिर कौन हुआ? स्ट्रीट फूड। इसी के साथ यार इस वीडियो को लगाते यहीं पे फुल स्टॉप। मैं मिलूंगा तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की फूड चैलेंजेस वीडियोस अगर तुम लोग को चाहिए तो भाई 30,000 लाइक करवा दो, मैं समझ जाऊंगा भाई वैम्पायर आर्मी मांग रही है इस तरह की वीडियोस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, चलो शैडो।